साल दर साल सुलग रहे उत्तराखंड के जंगल, बढ़ता तापमान विभाग के लिए चुनौती। पिछले 5 दिनों से धधक रहे जंगल, 24 घंटे में 5 जगहों से वनाग्नि की घटनाएं, 2.55 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान। आखिर कब तक सुलगते रहेंगे जंगल? कहां गए विभाग के तमाम दावे? उत्तराखंड राज्य में इस साल पहले एक तो मौसम की बेरुखी और दूसरा विभाग की बद इंतजामी ने सारे दावों की कलाई खोल कर रख दी है। दावे इस बात के खूब हुए कि इस साल वनाग्नि की घटनाओं को काबू किया जाएगा, लेकिन पिछले 24 घंटे से प्रदेश भर में 5 जगहों पर जंगल आग से धधक रहे हैं। लेकिन आग पर काबू पाने के विभाग के सारे दावों की कलाई खुलकर सामने आ गई है। टिहरी जिले के बालगंगा रेंज के जंगल आग से धधक रहे हैं, मगर अब तक आग पर काबू पाने के सारे इंतजाम फीके साबित हुए हैं। फायर सीजन शुरू होने के बाद से अब तक प्रदेश में वनों के सुलगने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 5 जगहों पर आग से 2.55 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान हो चुका है। इसी के साथ फायर सीजन 15 फरवरी से अब तक कुल 159 घटनाओं में 209.36 हेक्टेयर वन इलाका प्रभावित हुआ है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद आग पर काबू पाना चुनौती बना हुआ है, तो मौसम के मिजाज को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में विभाग की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ना तय है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि साल दर साल धधकते जंगलों से सबक लेने का विभाग दावा तो करता है, मगर लिए गए सबक का परिणाम धरातल पर नजर नहीं आता।